नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे रोस्टेड टमाटो एंड गार्लिक ब्लडी मेरी। उसके लिए चाहिए थोड़ा सा चेरी टमाटो, थोड़ा सा लेमन वाइजर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा टबास्को सॉस एंड सम टमाटो जूस लाइक रियल या ट्रॉपिकल। फर्स्ट चेरी टमाटो को हम थोड़ा रोस्टेड करेंगे। इस तरह रोस्टेड कर सकते हो। अच्छे से रोस्टेड होने के बाद गार्लिक को लीजिए। गार्लिक को भी ऐसे रोस्टेड कीजिए। गार्लिक को फर्स्ट पील करके साफ करके उसके बाद रोस्टेड कीजिए, क्योंकि वो अच्छे से रोस्टेड हो जाए और उसका फ्लेवर आए। गार्लिक एंड चेरी टमाटो को अच्छे से रोस्टेड होने के बाद आप ऐसे आपको रोस्टेड कर सकते हो। आप ग्लास को लीजिए। ग्लास लेके उसको सॉल्ट रिम लगाइए, थोड़ा लेमन लगा के सॉल्ट रिम लगाइए। सॉल्ट रिम लगाने के बाद अच्छे से उसमें आप वो रोस्टेड टमाटो एंड दैट रोस्टेड गार्लिक दोनों को उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद थोड़ा सा मडल कीजिए स्लोली, इस लिटिल हॉट एक्चुअली। अच्छे से थोड़ा सा मडल करने के बाद उसमें ऐड कीजिए एवरीथिंग लाइक सम सॉल्ट, सम टबास्को, 3-4 लाइम जूस, लाइक 3-4 लेमन वेजेस लाइम जूस चाहिए उसके लिए। आप फ्रेश लाइम यूज करें तो बहुत अच्छा है, लाइक दिस। देन सम आइस में उसको भर दीजिए। उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डालिए, क्रश ब्लैक पेपर। स्मॉल आइस क्यूब है इसलिए मैं 8-10 डाल रहा हूँ। आपके पास बड़ा आइस क्यूब है तो आप डाल सकते हैं। इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद आप उसमें उसके बाद इफ यू लाइक ब्लडी मेरी तो आप इसमें वोडका ऐड कर सकते हो, लाइक एब्सोल्यूट 60 ml ऐड करके उसके बाद टमाटो जूस डालिए। उसका फ्लेवर मतलब मस्त आएगा, लाइक रोस्टेड टमाटो एंड रोस्टेड गार्लिक का फ्लेवर। इसको थोड़ा सा टेस्ट कीजिए। आई थिंक सॉल्ट कम होगा, लेमन कम होगा, थोड़ा सॉल्ट डालिए। एज फॉर योर टेस्ट एंड गार्निश विथ लिटिल बिट टबास्को, लिटिल बिट ब्लैक पेपर एंड 1 लेमन वेजेस। यू कैन पुट 1 रोस्टेड टमाटो ऑल्सो फॉर गार्निश। अच्छे से रोस्ट होने के बाद गार्निश मिला।